जदयू नेता, हमको तो जानकारी इस बात का नहीं है, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ है उस पर हम जो है दुख जताते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे जिस दल के भी रहे, और कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अपराधी है इस तरह का घटना कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, दुख के घड़ी में सबको जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे जिस दल का रहे। जिसका हत्या हो गया उसके घर पर को भी जाएंगे तो इसका राजनीति का नाम नहीं दिया जाता है। यह जो है कि परिवार का हर दुख सुख में शामिल होना चाहिए, हर इंसान को इंसान होने के नाते जो है कि जाना चाहिए। कल चुनाव है, एक दिन आज का बचा हुआ है, कल इम्तिहान का दिन है, बिल्कुल मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है, हमारे जनता जो है कि तैयार है, और पूर्णिया के जनता जो है भली भांति जानते हैं कि पूर्णिया का क्या हालत है, और देखते हुए वह जो कि मत करेंगे, और बहुत अच्छा से जो है कि जितना दिन मुझे समय मिला और पूरे लोकसभा में हम घूमे हैं, और सभी से जो है कि मुझे प्यार मिला है, सबसे आशीर्वाद मिला है, तो मुझे भरोसा है कि पूर्णिया के लोकसभा की जनता से कि एक एक मत जो है, बीमा भारती जी आपकी बहू बेटी हैं, आपकी घर की है, और आप एक एक मत देने का काम करेंगे क्रमांक संख्या 2 पर। आप यही अपील करेंगे सभी से। पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि पूर्णिया इस वक्त पप्पू यादव के नाम से जाना जा रहा है, कोई तीसरा चौथा है ही नहीं यहाँ पर। अब देखिए इस तरह का कौन क्या कह रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे, आप तो मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि क्या किया है। इसके बाद जो है कि सब लोग समझ रहे हैं पूर्णिया की जनता की क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो मतदाता जो है कि अभी कैंडिडेट से ज़्यादा मतदाता आगे चल रहे हैं, मतदाता खुद समझ रहे हैं कि क्या करना है। तो मतलब पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, भरोसा नहीं विश्वास है कि पूर्णिया की जनता सही निर्णय लेंगे। किस उम्मीद पर, किस भरोसे पर से आप कह रहे हैं कि जनता आपको प्यार देगी? बिल्कुल देंगे, इसलिए कि हमने 5 बार से रुपौली के विधायक हैं, 2020 से निर्दलीय से हम चुनाव जीते, इसके बाद लगातार जनता का सेवा कर रहे हैं रुपौली का, और विकास भी कर रहे हैं, सभी लोग के बीच जा रहे हैं, तो सना प्यार मिल रहा है। आज रुपौली की जनता मेरे लिए भगवान है, जिन्होंने कि 5 बार MLA बना करके विधानसभा भेजा है। जिस तरह से हम विधानसभा में काम किए हैं उसी तरह से वो देख रहे हैं कि हम वहाँ पर कितना काम किए हैं, और जनता का स्नेह प्यार मिलेगा तो लोकसभा में भी हम काम करेंगे, हर व्यक्ति से मिलने का काम करेंगे, हर जनता से मिलेंगे, हर गली मोहल्ला में बहुत सारा गए थे हम, तो बहुत सारा समस्या मुझे सुनने के लिए मिला है, तो मेरा पूरा भरपूर प्रयास रहेगा उसको हम निदान करेंगे। और जो मूल समस्या यहाँ का है, जो सड़कें हैं नगर निगम में, हम देखें कि बहुत ज़्यादा जो है कि नगर क्षेत्र में जो है कि सड़क नहीं है, बिजली का जो कमी था हम वो देखें, और बहुत सारा है, पानी का है, बिजली का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सबको हम सुधारने का काम करेंगे। और यहाँ पर कोसी सीमांचल में सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट भी मेरा सबसे एक नंबर में एयरपोर्ट चालू करने का मेरा रहेगा, जो जनता का सेवा। जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, उन्होंने एक लेटर लिखा है, बहुत भावपूर्ण लेटर लिखा, कहा है कि बिहार के उद्धार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है और आगे विकास बिहार का इसलिए NDA को वोट दे। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके साथ है वो गए हैं ना, और क्या बिहार में विकास हुआ है, इतना ही शुभचिंतक थे बिहार के लिए, चिंता करते मुख्यमंत्री जी, तो जिस दल में अभी गए हैं और अभी डबल इंजन की सरकार है, तो विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए बिहार को, विशेष पैकेज देना चाहिए, और पत्र लिखने से नहीं होगा, करने से होगा। बीजेपी के लोग तो जुमला ही किया है सर, जनता को ठगने का काम किया, अब कितना दिन जनता को ठकिएगा, 5 साल 10 साल इससे ज़्यादा नहीं, लोग जागरूक हो चुका है। उन्होंने तो वादा किया था कि हर गरीब को 15 लाख रुपया देंगे, हर खाता खुलवाइए, सब लोग खाता भी खुलवा लिए, किसी के गरीब के खाता में पैसा नहीं गया, तो जितने भी वादा किए थे सब जुमला है, इस बार भी जितने भी वो कर रहे हैं वो सब जुमला होगा।
उनका नेता ही कहा था कि चुनाव का जुमला था चुनाव में, तो इसी तरह से उस पर कोई बात का भरोसा नहीं है। जो हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो वहाँ वादा करते हैं ऊपर पूरा उतरते हैं, जो 17 सालों में नहीं हुआ हुआ 17 महीना में करके दिखाया, तो जनता को भरोसा है, विश्वास है कि उन्होंने जनता को हमारे युवा को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और जिस घोषणा पत्र में जारी किए हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, उस पर जो है खरा उतरेंगे।